YouTube चैनल लेडी स्टार्क, और लेडी स्टार्क के अंदर आज मैं बात करूंगी ओरियोर की फेशियल किट के बारे में। ये पूरी फेशियल किट तो नहीं है, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने जो है परचेज़ की हुई हैं और मैंने अपनी स्किन केयर के लिए जो है इनको मंगवाया है। तो इसमें मैंने टोटल जो है वो चार चीज़ें मंगवाई हैं। एक इनकी जो है वो है स्किन रिज्यूविनेटर, ये क्रीम है। उसके बाद जो है मैंने एक इनका मंगवाया है डबल क्लिनजर, और एक इनका मड मास्क है, और एक इनकी है टू इन वन ओरियोर की टू इन वन मास्क और स्क्रब है। तो सबसे पहले जो है मैं वो जो अप्लाई करती हूँ वो है इनकी स्किन रिज्यूविनेटर। और पहले तो किसी भी क्लिनजर के साथ जो भी आपके पास है या इसी का मंगवाया आपने, आप वो यूज़ करें, और उसके बाद क्लिनजिंग के बाद आपने ये क्रीम लगा लेनी है। और ये लगानी है आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट गर्मियों में और 5 मिनट जो है वो सर्दियों में, और बेस्ट रिजल्ट के लिए आपने 15 दिन में जो है आपने इसको 2 दफ़ा अप्लाई करना है। और ये जो है क्रीम लगा के और इसके बाद आपने इसको जब वॉश करना फेस, तो काफ़ी हद तक आपका चेहरा जो है ना निखरा हुआ लगता है, डलनेस जो है वो ख़त्म होती है, चेहरे के ऊपर ग्लो आता है। और विटामिन सी है इसके अंदर, और फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है, काफ़ी जो है ना ये अच्छी, आप इसको आम रूटीन में अगर नहीं भी फेशियल कर रहे तो आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं फौरी, अगर आप अपने चेहरे को थोड़ा सा ग्लो देना चाहते हैं, अगर डल लग रहा है आपका चेहरा तो ये बहुत अच्छा है। उसके बाद मैं जो फॉलो करती हूँ वो है इनका डबल क्लिनजर। एक तो होता है क्लिनजर यानी कि वो आपकी क्लिनजिंग करता है, डबल क्लिनजर मीन ये डबल डीप क्लिनजिंग करता है। तो मैं तो अक्सर मेकअप रिमूव करने के बाद भी जो है इसको यूज़ कर लेती हूँ, और ये भी आपके चेहरे पे बहुत अच्छा ग्लो देता है, आपकी स्किन का जो टेक्स्चर है ना उसको बड़ा अच्छा रखता है, आपकी स्किन बड़ी स्मूथ लगती है। इसको भी सेम उसी तरह आपने हफ्ते में 2 दिन और गर्मियों में 2 से 3 मिनट अप्लाई करना है, और सर्दियों में 5 मिनट के लिए, और 15 दिनों में आपने इसको 2 दफ़ा यूज़ करना है, या जब आप चाहें क्लिनजिंग करना चाह रहे हैं, डीप क्लिनजिंग करना चाह रहे हैं, इसको यूज़ करें, बहुत ज़बरदस्त है ये। उसके बाद इनका मड मास्क, जैसा कि नाम से जाहिर है मड मास्क है ये, तो ये चेहरे पे अप्लाई करना, आपके पोर्स वगैरह अगर ओपन है तो वो बंद हो जाएंगे, और चेहरे पे जो है ना बड़ी अच्छी सी एक लुक आ जाती है, बड़ी ग्लास लाइक स्किन लगती है। और ये जब चेहरे पे लगाएं ड्राई हो जाए तो इसको उतारें। उसके बाद जो इनकी एक बहुत अच्छी चीज़ है वो है इनकी ओरियोर की 2-in-1 मास्क एंड स्क्रब, ये बहुत अच्छी है, और ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनी हुई है। इसके अंदर जो उन्होंने चीज़ें मेंशन की हुई हैं और वो है फूल की पत्तियां हैं, टर्मेरिक है यानी कि हल्दी है, कैम्फर है, और मेलन सीड्स हैं इसके अंदर, और दालें हैं, और एक उन्होंने साथ बताया हुआ कि आपने इन सब चीज़ों को मिक्स करना है विद दादी का प्यार। तो मीन्स अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है तो आपने इसको जो है इसके साथ रोज़ वाटर के अंदर आपने मिक्स करना है, या आप इसको दूध के अंदर मिक्स करके आप अप्लाई करें और चेहरे के ऊपर से आपने इसे स्क्रब करते हुए इसको उतारना है, या आप हफ्ते में 2 दफ़ा लगाएं। मैं इसको आम रूटीन में फेशियल ना भी करूं तो मैं इसको जो है वो यूज़ करती हूं वैसे ही अपने चेहरे के लिए, तो ये बहुत ही बेहतरीन है। मेरा जो है ओरियोर के साथ जो है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ओरियोर की प्रोडक्ट्स अगर कंपेयर करें दूसरे महंगे फेशियल के साथ तो ये उनकी निस्बत बहुत बेहतरीन है, और इनका रिज़ल्ट भी अच्छा है। अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त है, आप इस कुछ चीज़ें भी ख़रीद सकते हैं जिनकी आपको ज़रूरत है, और मेरी तरफ से ये ओके है, बहुत ज़बरदस्त है ओरियोर की ये प्रोडक्ट्स। महंगे महंगे फेशियल के साथ भी मुझे ऐसा रिज़ल्ट नहीं मिला, लेकिन इनका जो है रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। दो में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।